नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आया हूं, जहां एक किसान को गोलियों से भून दिया गया है। देर रात का मामला बताया गया है, चांदीनगर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का है, जहां एक किसान अपने खेत की रखवाली के लिए खेत में जंगल में सो रहा था, जहाँ देर रात उसकी हत्या कर दी गई है। जब सुबह परिजन खेत में पहुंचे, उन्होंने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। मौके पर चांदीनगर पुलिस और खेकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी बिंदुओं पर जांच की और सब को उठाकर मोर्चरी भेजा, जिसमें वहां मौके पर 3 खाली खोके और एक जिंदा कारतूस मिला है। अब जो परिजन की तहरीर का इंतज़ार है पुलिस को, और उसके बाद तमाम जितने भी बिंदु हैं, किसके साथ उसकी रंजिश थी, किसके साथ लेना देना था, या आखिर कौन है जो उस किसान के हत्यारे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की बात कह रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नाम आपका? सोनू जी। सोनू, आपके पिता के साथ क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई? वो तो जी, हम इधर से आए, जो हमने देखा खाट पे और गोली लगी हुई थी और ये मच्छरदानी जो कर पड़ी है इसी तरह पड़ी थी, तो हम परेशान इधर तब हजकाए। अभी गड्ढे वड्ढे कर रहे थे तो मतलब पत्ते वत्ते उतार रहे थे गन्ने, पता है, तो हमने तो जब आके देखा ना, सुबह हमें रोज 5 बजे उठे मिलते थे। सुबह लगभग 7:30 बजे चांदीनगर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि मंसूरपुर गांव के खेतों में एक व्यक्ति जिसका नाम मदन पाल है, उसकी डेड बॉडी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मृतक के परिजनों ने गाँव के ही एक लड़के जिसका नाम सनी है, उसको तहरीर में नामजद किया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।